सुने थे अंग मोहे आज सजनी नहीं हो क्या सबका भोजन मुझे हर कोई खा लेगा बतासा भी नहीं जो पाएगा मुंह में चबा लेगा भयंकर काल हो विकराल हो विस्तर हो काला हो जलाकर भस्म कर दूंगा मैं वो प्रचंड ज्वाला हूं क्रोध दृष्टि से मेरे बचने न कोई पाएगा सामने जो आएगा वही सिर्फ कुचला जाएगा जय शंकर के जय शंकर के जय श्री राम बोल बोल जय श्री राम जय शंकर के मंत्री जी महाराज क्या यही वो उत्तमी वानर है जिसने इतना उत्पाद बचा रखा था हाँ महाराज यही देखने में तो ये बड़ा ही छोटा सा लगता है पर इसके कारनामे तो देखो जय
लंका में घुसाया। इसे क्या लंकेश के नाम का जरा सा भी भय नहीं लगा। वानर तुम कौन, कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बंदे। उत्थान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बदलाव बंदे। लंका के राजा का तूने क्यों नाम कौन से सुना नहीं, तू इतना ठीक निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं, मार रहा है वानर, मार रहा है अक्ष कुमार मेरा, क्यों ना तेरा सन मार करो, तू ही न्यायी बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं। है लंकेश, दस मुक्की प्रसन्न पुस्तिका के पन्ने में क्रम क्रम लेता हूँ, पहले जो पूछा तुमने सर्वप्रथम उसका उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजर बिहारी है कहलाते रघुकुल के भूषण है, अरे रीजी थी जिन पर सुपर था हारे उनसे हर दूसरे साहस। और ध्यान दे लो लंकेश, जिनकी सीता तुम हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर लगाए हो। और सुनो लंकेश, लंका में आया था माता सीता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी विवश हो गया फल खाने को, सुधी तुमने ना ली पहुने की, निश्चर कुल का तो अभाव है, ये फल खाकर तो पेड़ तोड़ता है वानर का तो ये स्वभाव है ये। अरे इतना तो ज्ञान तुम्हें भी है, भगवान जब चीम लेते हैं तब भक्त प्रसाद पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु का भोग लगाते हैं। मैंने भी प्रभु श्री राम पढ़कर वन वृक्ष के फल खाए हैं। हे रावण, तुम उस प्रसाद के पात्र ना थे इसलिए तोड़ गिराए हैं। अक्षय वट का तो उत्तर है सबको अपने तन प्यारा है, उसने दुष्ट को पहले मारा तो ही पहले उसको मारा है। वानर तू बहुत उत्मादी लगता है, और क्या कार्य है सूर्य चंद सब उदय अस्त मुझे में है, मेरी वानर मेरी फेरी के चढ़ते ही दोनों कांपने लगता है, खैर कौन सुरेश वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको, ये तेरी उठ पटांग बात तेज सुन सुनकर उस अधम तपस्वी बच्चों को किस भांति बखाना चुन चुन कर, ना समझे वानर ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले उस पानर वाले तस्वीर से क्या चढ़ जाए लड़का वाले। अरे लंकेश तूने जो अदम कहा उनसे क्या उनकी महिमा घटती है, जितनी भी फेंको धूल आसमान पर सूरज तक कहां पहुंचती है। ए राज
सभा के सचिवारो, वानर सचमुच उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है, निश्चय ही पल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के, सर इसका अभी काट डालो सामने मेरी इन आंखों के। ओहो, आ गया है मृत्यु का दिन समीप, तू तो सचमुच घुमाया है, कहना सुनिया वर्त सभी, तू तो सचमुच घबराया है, मेरा मेरा जो बकता है ये सब कुछ काम न आएगा, जब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसार के जाएगा, और श्री प्रभु रामचंद्र का दास बना तो ते विभूति निरखेंगी, अन्यथा जब मरा तो लाखों मक्खियां लाखों पे भिनकेगी। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा ना करो कि जग धिक्कारे लंकापति की करतूतों को, फिर राज्यसभा है हे राजन अन्याय ना कीजिएगा, यदि देना है दंड इसे तो अवसर देख लीजिएगा। ठीक है विभीषण, तुम्हारी बातों पर भी हम गौर फरमाते हैं, और इसे मृत्यु दंड देने की बजाय वानर को अपनी पूछ से बड़ा ही प्रेम है, क्यों ना इसकी पूछ को खंडित कर दिया जाए। वो पूछा पूछ घुमा कभी नहीं, उजाड़ा सारा है, अब एवं ने पूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है, घी और तेल के वस्त्र भिगो, बंद वो पूछ में वानर की, फिर प्रज्वलित अग्नि करके लगवाओ पूछ में वानर की, जब चले पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वी बच्चों को अति स्त्री यहां मैं आएगा, जाओ। जंगलों का तू प्राणी, तुझको किसी की क्या पड़ी, आके मरने देता उन्हें जिनके सर पे मौत खड़ी। मिल रहा है तुझे जीवन दान। जय श्री राम, जय शंकर के, जय शंकर के, जय श्री राम, जय शंकर के। हेलो, बहुत उछल कूद कर ली वानर। हेलो भैया, गली नंबर 10 के पास से सारी स्कूटी भाई कटवा लो, सब हटा दो, लंका ध्यान होने वाली, हटाओ। हेलो हेलो, जल्दी सोने की लंगा,
हाँ यहाँ पर क्या मिल गया माता जी को हनुमान का प्रणाम प्रणाम हनुमान विजयी रहो यशस्वी रहो बलशाली रहो माता जी सदैव अपने रघुवर के दुलारे रहो। अच्छा माता जी मैं भली प्रकार रावण से मिल आ चुका हूँ और चेतावनी के रूप में लंका भी जला के आ चुका हूँ। माता प्रभु श्री राम के लिए कोई संदेश हो तो मुझे दीजिए। हनुमान मेरे पास सिर्फ ये चूड़ामणि है। चूड़ामणि इसे अरे इसे कहते हैं यार चूड़ामणि सर्वे से निकाल ये मेरे प्रभु को देना मेरा प्रणाम कहना और उनसे निवेदन करना और यह भी कहना कि ये आने में और अधिक विलंब किया तो ये जानकी जीवित नहीं बचेगी और यह भी कहना बिन पति पत्नी जगत में देह है बिन प्राण की जल बिना हो जीव जैसे जल बिना हो मीन जैसे राम बिन है जान की। अब और सहा नहीं जाता वो शीघ्र ही यहाँ आए और मुझे इन बंधनों से छुड़ाएं ये संदेश अवश्य मेरे प्रभु तक पहुँचा देना। माता जी आप निश्चित रहिए मैं प्रभु श्री राम से आपकी सारी व्यवस्था सुनाऊंगा। मेरे ही लौटते ही सारी वानर सेना लंकापुरी पर चढ़कर ईंट से ईंट बजा डालेगी। अच्छा पुत्र अब शीघ्र जाओ तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा माता जी प्रणाम। जय श्री राम। मार्ग की जो भी घटित हुई है वो रास्ते में ही बताता हूँ। भैया मैं देखिए हनुमान जी आ रहे हैं और उनकी मुक्ति प्रशंसा से ऐसा लगता है कि माता जानकी का पता लग गया। जय श्री राम। आओ हनुमान कहो क्या समाचार ले हो। प्रभु श्री राम हनुमान का आपको प्रणाम। संजीव रहो। प्रभु मैं भली भांति लंका पार करके माता सीता से मिलकर आया हूँ। अच्छा हनुमान आगे बताओ। और आपके वियोग में हर एक एक पल बहुत ही महान दुखों में कट रहा है। और क्या कहा सीता ने। माता ने कहा मैं आपके वियोग में कष्ट सह रही हूं आप शीघ्र ही लंका पर आए और इन दुष्टों का संहार करें। अवश्य हनुमान ऐसा ही होगा। और बताओ उन्होंने मेरे लिए कोई निशानी दी है। जी प्रभु माता ने अपनी चूड़ामणि दी है। ओहो ये चूड़ामणि अब तक उसके साथ रही आ तुझे मैं हृदय से लगा लूं। और हनुमान सीता ने और कुछ कहा। हाँ प्रभु श्री राम उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा आप तो सभी के दुख हरने वाले हैं परंतु मेरे दुख क्यों नहीं हरते। आपने
दुष्टों को सहारने का प्रण लिया है, पर किंतु भूमि का बहार क्यों नहीं हटते? हे नाथ, आपने मुझे क्यों त्याग दिया है? क्या तीन रक्षक अपना प्रतिज्ञा का पालन याद नहीं? हाँ हाँ हनुमान, मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद है। मैं समुद्र को चीरकर लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जी महाराज, प्रभु श्री राम, ये तो मैंने माता सीता को भली भांति सब व्यथा सुना दी है और रावण को बता के आया हूँ और लंका भी जलाकर आया हूँ। क्या कह रहे हो हनुमान, तुमने लंका को जला डाला? हाँ प्रभु, जिस पे आपकी कृपा होती है उसके लिए मांग फूट क्या रहता है। हनुमान, आज हम तुम्हारे बहुत आभारी हो गए हैं। जय श्री राम।